कई लोग तो बोल रहे नौकरियां खत्म हो गई है, बेरोजगार खत्म हो गई है। क्या घर में बुला के देगा मोदी जी? नौकरी घर में बुला के देगा? आप जिस तरह के हैं उस तरह के बात कीजिए ना। मोदी जी बहुत कुछ बढ़िया काम किए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी काम किए ये युवा पीढ़ी को खत्म कर दिया। ठीक है, मोदी सरकार आए एक बार और आए, ये बातें हम लोग ना नहीं बोलेंगे, लेकिन आए तो कुछ करें, केवल आश्वासन ही नहीं। सब नेता बस सब नहीं जाने बाबा, हम तो जुगसलाई क्षेत्र में कभी भी विद्युत प्राण महतो को भी नहीं देखे। जमशेदपुर लोकसभा में किनको देखना चाहते हैं आप, विद्युत प्राण महतो या फिर समीर महंती? हम लोग तो देखना बीजेपी को ही चाहते हैं शुरू से कि बीजेपी ही आए, लेकिन कुछ मुद्दा हमारा अपना पर्सनल मुद्दा है, क्योंकि आपकी अनुमति है तो हमें बोलूँ। हम यही चाहते हैं, यही गुजारिश है माननीय अमित शाह जी से कि इसको सॉल्व करें, जिससे कि सहारा का प्लेटफॉर्म फिर चालू हो और हम लोग जो बेरोजगार हुए हैं वो हम लोग को रोजगार मिले और सहारा के काउंटर से ही भुगतान हो। हम यही चाहते हैं कि अगर ये मुद्दा अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो हम लोग जो है क्या करेंगे, वोट में भी क्या निर्णय लेंगे? वोट में जो है हम लोग जो है अगर ये मुद्दा चुनाव के पहले अगर ये मुद्दा पे कोई कड़ा फैसला नहीं करते हैं तो हम लोग जो है मोदी जी के बहिष्कार करेंगे। अभी झारखंड जो सरकार है वो भी काम कर रही है, अपन बीजेपी के मुकाबला कोई सरकार काम नहीं कर सकती। क्या कारण है बीजेपी? कारण नहीं है आपका केंद्र का, हमारा मोदी जो देश को सबसे भला कर रहा है, इसलिए देश में ये भला कर रहा है, 5 लाख का स्मार्ट कार्ड बनवा रहा है, फ्री में आपका इलाज करवा रहा है, और मोदी सरकार पूरा आपका केंद्र पूरा झारखंड का जमशेद सब जगह का आपका रोड बना के रखा है वो मोदी सरकार। ये जो हंगर इंडेक्स है बहुत नीचे चला गया इंडिया का, जैसे बांग्लादेश से भी नीचे चला गया हंगर इंडेक्स। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन दावे कर रही है हर चीज को लेकर के, रोजगार को लेकर? दावे करने से कुछ नहीं होगा, जो है बीजेपी है। जमशेदपुर लोकसभा महापर्व की तैयारियां जो है वो जोरों पर है, जिस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ भीषण गर्मी की शुरुआत और एक तरफ तापमान और दूसरे तरफ जो है जो लोकसभा महापर्व का जो है उसका तापमान लोगों में किस तरह से एक तरह से देख रहे हैं, तो तैयारियां जो है वो जोरों पर है। हालांकि आम जनता किनको पसंद करना चाहती है, संसद में किनको देखना चाहती है, उनको लेकर हम आज बात करेंगे, किस तरह से केंद्र सरकार पर जनता की क्या राय है और जमशेदपुर लोकसभा में किनको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ जो हैं कुछ यहाँ के लोग हैं स्थानीय, इनसे बात करेंगे, शहर के कुछ लोग हैं। ये सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है, क्या किनको जमशेदपुर लोकसभा में किनको देखना चाहते हैं आप, विद्युत प्रण महतो या फिर समीर महंती? देखिए हम अभी सर हम लोग तो देखना बीजेपी को ही चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज बोला जाए तो बहुत बड़ा बड़ा काम की, चाहे धारा 370 हटाने का बात हो, चाहे राम मंदिर बनाने का बात हो। वैसे हम लोग तो चाहते हैं शुरू से कि बीजेपी ही आए, लेकिन कुछ मुद्दा हमारा अपना पर्सनल मुद्दा है, क्योंकि आपकी अनुमति है तो हमें बोलूँ। क्या है यही है कि आज हम लोग जो है विगत 12 साल 15 साल से जो है सहारा इंडिया में काम किए, और आज सहारा सेबी का विवाद विगत 10 सालों से जो है सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जब भी डेट आता है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अभी 22-23 तारीख था और इसको फिर 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। आज इस सहारा सेबी के विवाद के कारण आज 15 लाख कार्यकर्ता और 15 करोड़ डिपोजिटर प्रभावित हुए हैं। अगर यह मुद्दा अगर सॉल्व कर दिया जाता तो आज 15 लाख रोजगार बहाल हो जाता। आज हम यह मुद्दा फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कारण में, और माननीय अमित शाह जी के द्वारा बोला गया था कि यह सहारा से भी का जो जिसमें CRC के द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है वो 9 महीना के अंदर में जो है इसको 100% पेमेंट कर दिया जाएगा, जो कि आज अमित शाह जी के द्वारा जो दिया गया पोर्टल है वह विफल हो गया। आज किसी को पेमेंट जो है प्रॉपर पेमेंट मिल नहीं पाया, मिला है 200-250 करोड़ का ही भुगतान मिला है, 100% व्यक्ति को भुगतान नहीं मिला है। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं यह आपके मंच से उनको यह बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सहारा से भी विवाद को अगर जल्द से जल्द ख़त्म नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा कि हम लोग वो माने सोच भी नहीं सकते। सहारा इंडिया बहुत बड़ा परिवार है। सहारा इंडिया आज 15 करोड़ डिपोजिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 करोड़ × 5 75 करोड़ आदमी, 125 करोड़ आबादी में
75 करोड़ आबादी जो है सहारा के कारण प्रभावित है। अगर ये मुद्दा को सॉल्व कर दे, हम यही चाहते हैं, यही गुजारिश है माननीय अमित शाह जी से कि इसको सॉल्व करें, जिससे कि सहारा का प्लेटफॉर्म फिर चालू हो और हम लोग जो बेरोजगार हुए हैं वो हम लोग को रोजगार मिले और सहारा के काउंटर से ही भुगतान हो, हम यही चाहते हैं। और मैं अमित शाह जी और माननीय मोदी जी से हम लोग तो शुरू से चाहे हैं, लेकिन अगर ये मुद्दा अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो हम लोग जो है क्या करेंगे, वोट में भी क्या निर्णय लेंगे, वोट में जो है हम लोग जो है अगर ये मुद्दा चुनाव के पहले अगर ये मुद्दा पे कोई कड़ा फैसला नहीं करते हैं तो हम लोग जो है मोदी जी के बहिष्कार करेंगे। और हम लोग जो है एक ही हम लोग नारा है, पहले नोट फिर वोट। तो क्या करेंगे, वोट देंगे या नहीं? वोट हम लोग नहीं देंगे जब तक कोई कड़ा फैसला अगर मोदी जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से नहीं दिलाया जाए, जो है इसमें कड़ा कुछ फैसला नहीं हो, तब तक हम लोग जो है मोदी जी को वोट जो है बीजेपी को नहीं देंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इस बार किनको देखना पसंद करते हैं, किनकी सरकार पसंद करते हैं? देखिए, जमशेदपुर के अंदर और झारखंड के अंदर में बीजेपी सरकार आने से ही अच्छा है। बीजेपी सरकार बहुत कुछ काम की है और केंद्र की बीजेपी सरकार, अभी झारखंड की जो सरकार है वो भी काम कर रही है, पर बीजेपी के मुकाबला कोई सरकार काम नहीं कर सकती। क्या कारण है बीजेपी? कारण यही है, आपका केंद्र का, हमारा मोदी जो देश को सबसे भला कर रहा है, इसलिए देश में ये भला कर रहा है, 5 लाख का स्मार्ट कार्ड बनवा रहा है, फ्री में आपका इलाज करवा रहा है, आपको फ्री में राशन दे रहा है, फ्री में आपको सब कुछ दे रहा है, और उससे ज़्यादा क्या दे सकता, कोई ऐसा सरकार आके नहीं किया आपका। कई लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ चुका है। नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी, हिसाब के मुताबिक आज से 30 साल पहले 2 रुपये किलो चावल था तो आज थोड़ी होगा, आज भी आप मोदी सरकार आपको 1 रुपये किलो चावल दे रहा है सरकार को, और मोदी सरकार पूरा आपका केंद्र पूरा झारखंड का जमशेद सब जगह का आपका रोड बना के रखा हुआ मोदी सरकार। नहीं, जॉब नहीं है, एजुकेशन लाइन में पॉवर्टी जो हंगर इंडेक्स है बहुत नीचे चला गया इंडिया का, जैसे बांग्लादेश से भी नीचे चला गया हंगर इंडेक्स, बस उतना ही कहना चाहूँगा, तो एक बार चेंज होना चाहिए बस सरकार। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इस बार केंद्र की किनकी सरकार देखना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव चल रहा है, महापर्व चल रहा है, उसको लेकर के सामने सामने जो है बीजेपी का ही सरकार देखना चाहेंगे। और क्या, तो इंडिया गठबंधन है और बीजेपी है एक तरफ, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन दावे कर रही है हर चीज को लेकर के, रोजगार को लेकर? दावे करने से कुछ नहीं होगा, जो है बीजेपी है। आप युवा हैं, रोजगार के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? रोजगार तो डिपेंड करता है अपना ऊपर, सरकार तो मौका सबको देता है, सबको देता है। महंगाई, महंगाई तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या लगता है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर भरा रहा है? हाँ, जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे इनकम भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि डेली आम आदमी जैसे लोग हैं कमाने खाने वाले, तो कैसे 100 रुपये लीटर सर्वाइव करेंगे पेट्रोल? देखिए, सरकार उन पे काम तो करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ जो अगर 100 रुपया किया गया है तो उस पर कुछ सोच विचार करके ही किया गया है, ऐसे तो नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय है सर लोकसभा चुनाव को लेकर, किनको देखना पसंद करते हैं, क्या सरकार में बदलाव आनी चाहिए या फिर जो वर्तमान सरकार है वही उन्हीं को पसंद करते हैं? देखिए, कहने का मतलब है जो सरकार मोदी जी का भी खराब है, आदमी इनका विरोध भी नहीं करेगा और समर्थन भी हम लोग नहीं करेगा। क्या कारण है? कारण आपने बहुत अच्छा बात कहा, विरोध भी नहीं कर रहे, समर्थन नहीं कर रहे, तो यानी वोट किसको करेंगे आप? वो तो अपना मत है, वोट तो रही अपना मत हम मोदी जी को दें, चाहे यहाँ कांग्रेस से चाहे JMM से जो भी खड़ा हो उनको दे, ये मत किसी को बताया नहीं जाता, ठीक है। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, लेकिन अभी आप वर्तमान जो चल रही है सरकारें उन पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे या फिर उनकी आपके क्या राय है? टिप्पणी करना मैं ही चाहेंगे, मोदी जी बहुत कुछ बढ़िया काम किए, लेकिन कुछ ऐसा भी काम किए ये युवा पीढ़ी को खत्म कर दिए। क्या बताइए? सर्विस, जो लड़का यानी कि दौड़ धूप करके निकाल करके आर्मी में तैयार हो गया रहा, अब वो किसकी ज्वाइनिंग लेटर जिसको आनी है, कोई भाई कुछ एक लिखित परीक्षा बाकी है, यानी सर्विस जिसका रखा यानी मान ले तैयारी में है पूरा, अब उसको सबको क्लोज करके अग्निवीर ला दिए, और तो फिर उसकी प्रक्रिया भैया नीचे से शुरू हो गई। अब इसमें हमारे एक लड़का सबको तैयारी करने के बाद ज्वाइनिंग आने का था,
अब आगे आगे नहीं भी रहो भाई, अब वो बोलने से बोलता नहीं, अब हमें फौज में नहीं जाना। तब हम क्या करें, हमारा सरदा था जब लड़का को आर्मी भेजे, तब हम क्या बोले, देश की सेवा करने का जी। तो अब हम किसको सही माने, कौन सरकार सही माने, तो यानी क्या कर रहे हैं, आपकी कहना क्या है, रोजगार है या नहीं? अभी तो ना बोलेंगे, अगर बहाली निकाल है रोजगार है तो ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, और जिस तरह से अपने बात भी कर रहे हैं हर सभा में कि 2 करोड़ नौकरियां मैंने, कितना को दिए, जो पूछने वाले हैं उनसे जाके पूछे, अभी तक कितना को सर्विस दिए भैया। ठीक है, मोदी सरकार आए, एक बार और आए, ये बातें हम लोग ना नहीं बोलेंगे, लेकिन आए तो कुछ करें, केवल आश्वासन ही नहीं। सब नेता बस अपने जाने बाबा, तो क्या लगता कोई भी आके समर्थन भैया हमें जिता दी, हम आपको एक कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, आपका क्षेत्र में हो जाएगा, आपका क्षेत्र में होता, बाद में कुछ नहीं है, जस की तस रहती है, तो केवल कागज पे होती है। चुनाव में इस बार जो वोट मांगने आएंगे प्रत्याशी, तो क्या लगता है इससे पहले भी प्रत्याशी आपके क्षेत्र का भ्रमण किया था? अभी तक तो हम लोग क्षेत्र में जुगसलाई में कोई नहीं आया। तो क्या 10 साल में एक बार भी नहीं आया मोदी जी? नहीं नहीं, वर्तमान जो यहाँ पे, नहीं वो भी नहीं आए, कोई नहीं आया, नहीं समस्या को लेकर या कुछ और? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम तो जुगसलाई क्षेत्र में कभी भी विद्युत महतो को भी नहीं देखे, इसका पहले थे, अभी तो खैर हमारे मजा जिनको जब अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन जी वो भी नहीं आए, चंपाईदा भी नहीं आए कभी जुगसलाई में, जब फिलहाल में भी है, तो हम लोग किसका समर्थन करें। चलिए धन्यवाद, अब हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं भैया, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मैं इनकी राय को जनता के या फिर आम पब्लिक के बीच समर्थन करना चाहेंगे, किनको पसंद करना चाहते हैं सर? मोदी जी को। मोदी जी को क्या कारण है? मोदी जी बहुत देश से राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। क्या लगता है महंगाई के बारे में क्या बताएंगे? महंगाई तो आजकल आमदनी अच्छा हो रहा है तो महंगाई भी हो गई। कैसे आमदनी अच्छा हो रहा है? आमदनी होता ही है, जो चीज़ का आप दाम आप पूछने जा रहे हैं 10 पैसा है, आपका कमाई हो गया है 50 पैसा, तो उसके अनुसार कई लोग तो बोल रहे हैं नौकरियां खत्म हो गई है, बेरोजगार खत्म हो गई है। घर में बुला के देगा मोदी जी, नौकरी घर में बुला के देगा, आप जिस तरह के हैं उस तरह के बात कीजिए ना। प्राइवेट सेक्टर में बोल रहे हैं कि जो मंथली बेसिस काम है, आपका घर में बुला के तो कोई काम नहीं देगा, आपको उसके लिए प्रयास करना होगा, हर जगह होता है। किनको पसंद करेंगे इस बार, समीर महंत या विद्युत वरण महतो? विद्युत वरण महतो क्या काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में? काम किए हैं, बहुत काम किए हैं।